नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आपकी आवाज। आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चुनाव से पहले पुणे में पकड़ी गई सोने की बड़ी खेप, कीमत 139 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की स्टैटिक सर्विलांस टीम यानी SST ने शुक्रवार को 139 करोड़ रुपए की सोने की खेप पकड़ी है। यह सोने की खेप एक लॉजिस्टिक सर्विस फर्म के वाहन से पकड़ी गई है। हालांकि पुणे के एक ज्वेलर्स फर्म ने दावा किया है कि सोने की यह खेप वैध है। महाराष्ट्र के पुणे में SST को तैनात किया गया है। पुलिस उपायुक्त स्मार्तना पाटिल ने बताया कि सहकार नगर इलाके में सीक्वल ग्लोबल प्रेशियस लॉजिस्टिक्स के एक टेम्पो अचानक रोका गया। तलाशी लेने पर पता चला कि टेम्पो में रखे बक्सों में आभूषण है। यह टेम्पो मुंबई से आया था। इसके बाद मामले की जानकारी आयकर विभाग और चुनाव अधिकारियों को दी गई। टेम्पो में मिले आभूषण की कीमत 139 करोड़ रुपए आंकी गई है। हर आभूषण के साथ GST चालान भी। आभूषण कंपनी PN गार्डगिल एंड सन्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO अमित मोदक के मुताबिक आभूषणों की यह खेप वैध है। यह पुणे के विभिन्न सोनारों की दुकानों के आभूषण हैं। इसमें उनकी कंपनी का 10 किलोग्राम माल भी शामिल है। यह आभूषण के साथ GST का चालान भी जुड़ा है। 1.5 करोड़ के हीरे के आभूषण। अमित ने बताया कि सोने की इस खेप की जानकारी टेम्पो के ड्राइवर तक को भी नहीं है, या केवल भेजने वाले सोनार और प्राप्तकर्ता को ही पता है। खेप में हमारी शाखाओं से भेजे गए सोने के पुराने आभूषण भी हैं। इसके अलावा लगभग 1.5 करोड़ रुपए के हीरे के आभूषण भी हैं। 5 करोड़ की नकदी भी मिल चुकी है। 21 अक्टूबर को भी पुणे ग्रामीण में 5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई थी। मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर पुलिस ने नाकाबंदी की थी। इसी दौरान खेड़ शिवपुर के पास कार से यह नकदी जब्त की गई थी। यह कार सतारा की तरफ जा रही थी। कार में 4 लोग सवार थे। बता दें कि महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू है। 20 नवंबर को मतदान। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को झारखंड के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम भी जारी होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ आपकी आवाज़।